हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सॉरी, इस बार थोड़ा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट आप लोगों से मिले काफ़ी दिन हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब तो मिलना ही पड़ेगा। तो आज मैं अपने नए टॉपिक के साथ आपसे मिलने आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, इसका तैयारी करने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके से लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एक जो बेसिक तरीका होता है लगभग वो सबको फॉलो करना चाहिए, वो क्या है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी बातों का डिस्कशन करेंगे, कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे अपने गोल को अचीव करना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, कमेंट ज़रूर करना। और ये हमारा ग्रेविटी क्लासेस का एक छोटी सी फैमिली है, तो सब्सक्राइब करके आप भी हमारे इस परिवार का एक सदस्य बन सकते हैं। अगर आप हमारे परिवार का सदस्य बनते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जिनके पास प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि कैसे एक बड़े टारगेट को गोल को कैसे अचीव करें, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, उनके लिए भी है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो अच्छे शहर में रह रहे हैं, जिनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, उनको गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको कहीं ना कहीं प्लानिंग में दिक्कत आती है, स्ट्रैटेजी में दिक्कत आती है, कैसे आपको सक्सेस प्राप्त करना, उसके लिए क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, हम जल्दी ही अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, और आप ट्यूटोरियल में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स और मैथ्स के डिस्कशंस करूंगा और हर तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो चलिए बिना वीडियो लेट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम बड़े गोल को अचीव करें, कैसे हम मेडिकल और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो इसको मैंने तीन कैटेगरी में बांटा है। पहला ये कि जो बच्चे अभी अभी 10th पास करके 11th और 12th में आए हैं। दूसरा कैटेगरी है वो बच्चे जिन्होंने 11th कंप्लीट करके 12th में आए बट 11th अच्छे से नहीं कर किया था, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी उनके लिए। और वो बच्चा तीसरा कैटेगरी ये है कि वो बच्चा जो शुरू से ही सिंसियर है, 11th भी उसने बहुत सिंसियरली की और 12th भी उसने बहुत ही सिंसियरली किया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले उन फ्रेशर्स बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी बोर्ड एग्ज़ाम पास किया है। तो बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। किसी को 90 आया होगा, किसी को 95 आया होगा, किसी को 70-75 आया होगा। लेकिन एक बात बच्चों क्लियर कर लो, बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों ही टोटली डिफरेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाते हो तो ये मत समझ लेना कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही ईजी तरीके से निकाल लोगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एक पैटर्न है जिसको हम फॉलो करके कोई भी बच्चा अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो बच्चों जिनका मार्क्स कम आए हैं वो कभी ऐसा ना सोचे कि वो इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, और वो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए वो आगे की प्रिपरेशन को लाइटली ना लें। दूसरी चीज़, 10th और 11th में बहुत डिफरेंस आने वाला है। 10th का सिलेबस इस टॉपिक पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो 10th के सिलेबस और 11th के सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो 10th का सिलेबस बहुत ही छोटा था, 11th बहुत ही वास्ट होने वाला, बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो आप जो पढ़ाई पहले करते थे 1-2 घंटे 3 घंटे, इससे ज़्यादा मेहनत आपको इस साल करनी पड़ेगी। तो जो बच्चा 11th में आया है, मैं उससे यही एडवाइस करूँगा कि वो अपनी पढ़ाई शुरू से करें। आपको 10th में से 11th में आते ही आपको कई नए टॉपिक्स मिलेंगे, कई नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो आप इसको बहुत ही सीरियसली लें, एक दिन भी ख़राब ना करें, एक प्रॉपर स्टडी का प्लान बना लें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक तरीका को फॉलो करें, आप किसी एक बुक को फॉलो करो या एक टीचर को फॉलो करो। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा
कई बुक पढ़ता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि हर बुक का एक अलग तरीका होता है, एक अलग प्रेजेंटेशन होता है। तो आप एक बुक फॉलो करो और एक टीचर फॉलो करो, एक गाइडेंस फॉलो करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, दुनिया में आपको कोई भी पढ़ा ले, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। तो पहली चीज़ ये है कि एक टारगेट फॉलो करो, एक बुक फॉलो करो, एक गाइडेंस फॉलो करो, और सेल्फ स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। अब हम बात करते हैं, मैं बहुत छोटी सी बड़ी नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, प्रिपरेशन जो बच्चे क्रैक करते हैं वो कोई एलियन नहीं होते, वो किसी और प्लानेट के नहीं होते, यहीं के होते हैं, बस थोड़ा सा फोकस स्टडी करते हैं। आपको भी यही करना है, आपके मन में ये भ्रांतियाँ है कि मिसकॉन्सेप्ट है कि जो क्रैक करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप सिस्टमेटिक चीज़ों को फॉलो करो। अब उस कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें जो बच्चा 11th में आया तो है बट 11th को उसने पूरी तरह ढंग से नहीं पढ़ पाया। उसके कई कारण होते हैं, पहली बात 11th को सीरियसली नहीं ले पाते हैं, और 11th के कॉन्सेप्ट बहुत हाई होता है, कभी कभी सही टीचर नहीं मिल पाने के कारण भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि आपका एक साल बर्बाद हो चुका है तो उसको कवर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि 11th और 12th दोनों की स्टडी किया जा सकता है। अभी आपके पास समय है, आप 11th की टॉपिक को 1 से 2 घंटा रोज़ दें और उसको ज़रूर समझें। 12th को स्टार्ट करने से पहले 11th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर कर लें, इसके लिए अलग से 1-2 घंटा रोज़ निकालें और आप कर सकते हो, क्योंकि एक साल आपने बिताया है, आपको पता है कि आपने क्या गलतियाँ की है। आई होप अब आप ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे, और अगर तब भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो अपने गाइडेंस से मिलो, अपने टीचर से मिलो, डिस्कस करो, बट टाइम वेस्टिंग नहीं करो और बहुत सारे लोगों से सलाह मत लो। और मैं तो ये भी कहूँगा बहुत सारे वीडियोज़ भी मत देखो, ठीक है, मेरी वीडियोज़ देखो, फिर किसी और के वीडियोज़ देखो, सबका डिफरेंट ओपिनियन होता है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल बात कर रहा हूँ कि वन बुक वन टीचर, रेगुलर स्टडी एंड फोकस स्टडी होना चाहिए। अब आती है तीसरे कैटेगरी की बात। तीसरे कैटेगरी में वो बच्चा जो 10th से सिंसियर है, 11th भी उसने बहुत अच्छा किया और 12th भी उसका अच्छा हो रहा है, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही एडवाइस है कि आप 11th के जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन लगातार करते रहें, 12th के नए टॉपिक्स पढ़ते रहें, एक सेल्फ टेस्ट देते रहें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, खुद को रोज़ एनालाइज कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, डिफ्रैक्शन से भी बचिए। डिफ्रैक्शन का मतलब है आपका ध्यान कंसंट्रेट होना चाहिए, आपको अपने मंजिल पर आपका फोकस होना चाहिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गए कैटेगरी वाइज जो मैंने डिस्कशन किया, बट इन सभी कैटेगरीज में एक चीज़ कॉमन है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको फोकस रहना है, कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना है, और थोड़ा सा वक्त, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी टाइम पढ़ाई करो, पूरी टाइम ह्यूमन जो माइंड है वो 1 से 2 घंटा तक अच्छे से काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता, इसलिए ब्रेक की ज़रूरत है, बट ब्रेक के लिए आप थोड़ा बाहर जा सकते हैं, टहल सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, बट ये नहीं कि आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे टाइम बिता रहे, तो बिल्कुल नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो गए आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। ये एक स्ट्रैटेजी होता है, ये एक प्लानिंग होता है, ये एक तपस्या होता है, तब जाके हमें सक्सेस मिलता है। सक्सेस के लिए पुराने ज़माने में लोग तपस्या करते थे, भगवान आते थे, बोलते थे बेटा वरदान मांगो, आज के डेट का भी ये भी एक तपस्या है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत फोकस होकर काम करना पड़ेगा। और प्लीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, टाइम बर्बाद नहीं करें, टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। 10 लोगों की सलाह लेकर के ठीक है, 10 लोगों का आप सलाह लो, 10 लोगों की वीडियो देखो, बट एक वीडियो को फॉलो करो, 9 वीडियो को नहीं। इसी तरह मैंने बता रखा, एक बुक को फॉलो करो जो आपको समझ में आता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस बुक को फॉलो करो। बहुत सारे वीडियो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ये इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप मेरे पुराने वीडियोज़ में ये सब देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए मैंने बनाया है, आप जम के मेहनत करो, आगे बढ़ो, आप एक बहुत आसानी से आप चीज़ों को, कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। ये मिसकॉन्सेप्ट निकाल दो कि कंपटीशन क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत आराम से आप चीज़ों को
निकाल सकते हो। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मन में सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा सलाह देने की कोशिश करूँगा, एडवाइस करने की कोशिश करूँगा, और आपके प्रॉब्लम को कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। मुझे आपसे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है, आपसे मिलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहता हूँ। अभी मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट नहीं किया, मैं चाहता हूँ इस परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य पहले बढ़ जाएँ, तब मैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ दोस्तों, बच्चों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप हमारे परिवार के सदस्य बनेंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।